पकड़े गए ना, निकालो 50 रुपए। देखिए ये मेरी गलती नहीं है, उस लड़की ने पीछे से धक्का मारा। धक्का मारा? अरे लड़की धक्का मार ही नहीं सकती। निकालो 50 रुपए। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। पहले 50 रुपए निकालो, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगा। गो गो। पीछे ही पड़ा हुआ है, देखने में तो पूरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों इससे पीछा छुड़ा रही हूँ? ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलाना पड़ता है? सर, लड़की 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 लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए, दिखाइए। क्या? वही जो आप छुपा रही हैं। मैं, मेरा मतलब है, एक हुंडा मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? देखिए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां हमारी बहनें बन गई तो हम लोग जिंदगी भर हाई करते रह जाएंगे। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं। चलो। सर, आप? सर, हम समझे कोई गुंडा है। सर, बड़े जी, बहनों को ही पिटवा दिया। भाई, इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें कोई गुंडा छेड़ रहा है। उल्लू के पट्ठों, गौर से देखो इसे, ये खुद गुंडी लगती है, इसे कोई क्या छेड़ेगा? देखिए, आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहती। आप भले ही मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। हाँ, तुम मौरत की जिद को नहीं जानते। अगर 4 दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आए तो मेरा नाम भी टंगड़ी कबाब नहीं। लगता है तंदूर बहुत गर्म है। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? क्या करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। मेहन साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या? बाजा। ओ, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू, मेहन साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेहन साहब, क्या चाहिए आपको? एक ग्लास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ, ये बात है। हाँ, ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। हाँ।
सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का, मुझे बता दो तो मैं लिख लूँ। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे। चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा बेटा। जी जरा फोन उठ गए। हेलो अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा हेलो हेलो कट गया। 2002 रुपए। अच्छा क्या फिर कट गया? हाँ किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी ये मुझे किसी बेचारे का नहीं, किसी बेचारी का नंबर लगता है। चलो खाना खाने चलो, तुम बेटा बंद कर गया। जी भैया अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा? लो भैया बच गई आपकी घंटी। हेलो हेलो मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम, जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। आई हेट यू। आई लव यू। Oh. I adore you, Vijay.